हरिद्वार में 1 अप्रैल से 28 अप्रैल तक कुंभ मेले का आयोजन होगा। इस दौरान नदी का पानी साफ रहे, जो लाखों श्रद्धालु हरिद्वार जाएंगे वे पॉलिथीन का उपयोग नहीं करें, इसके लिए प्रबंध किया गया है। शनिवार को जयपुर में सिटी पैलेस में प्रेस वार्ता की गई। इसमें प्रांत प्रचार प्रमुख विवेकानंद शर्मा ने बताया कि पर्यावरण गतिविधि की ओर से पॉलिथीन मुक्त और पर्यावरण युक्त अभियान चलाया जा रहा है। कुंभ मेले में 200 काउंटर लगाए जाएंगे, जहां कोई भी साधु संत या श्रद्धालु जाकर पॉलिथीन जमा कराएगा, उसे काउंटर से थैले का बैग मिलेगा ताकि पर्यावरण में शुद्धता बनी रहे। वहीं नारी शक्ति प्रमुख डॉक्टर रीता भार्गव ने बताया कि इसके लिए जयपुर में 25,000 से ज्यादा कपड़े के थैले एकत्रित किए गए हैं। जुड़ी हुई है और ये जितने भी प्लास्टिक वेस्ट या पॉलिथीन का वहाँ जितना भी प्रयोग होगा वो सभी जितने भी वहाँ पर पूरी टीम जाएगी और उसको वहाँ से साफ करके उसके प्लास्टिक के ब्रिक्स बनाए जाएंगे, जो बहुत आगे या तो फर्नीचर के काम आ सकते हैं या किसी, जैसे बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज में वॉल्स बनती हैं, ये ब्रिक, ये प्लास्टिक की ब्रिक्स की वॉल्स बनती हैं, वैसे हमारे देश में भी इसका हम लोग प्रयोग करने वाले हैं। जब देखा कि हम गोको माता कहते हैं और गायें किस प्रकार से पॉलिथीन खा करके मर रही है, तो उनके मन में वेदना जागृत हुई, उनके मन में दुख हुआ कि हम जिस गाय को, जिसमें 33 करोड़ देवी देवता देखते हैं, और हम उस पॉलिथीन को फेंक देते हैं और गो माता मर जाती है, तो हमारा जो जीना है वो धिकार है। हमारा भागवत पढ़ना हमारे लिए धिकार है, रामायण पढ़ना हमारे लिए धिकार है। हम भगवान राम के वंशज हैं, जिनके वंशजों में राजा दिलीप हुए, जिन्होंने क्या किया, गाय की रक्षा के लिए जब शेर उनको गाय को मारने के लिए आता है, तो उसी के तहत हमने जो इको ब्रिक्स है, पॉलिथीन का जो बोतल है, वो हर एक व्यक्ति